आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Redmi Note 13 5G फ़ोन है, तो Redmi Note 13 5G फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं Redmi Note 13 5G फ़ोन में, और कैसे आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं Redmi Note 13 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे आप नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं Redmi Note 13 5G फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग सेटिंग्स पे जाना है। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रीसेट सेटिंग्स पे जाना है, जिस पे जाकर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस इस पे टैप करना है। जब आप कोई भी पासवर्ड इस पे डालते हैं तो इसको ओपन करते आप यहाँ से ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं, और ओके करते जो भी आपकी ऑल नेटवर्क सेटिंग्स से रीसेट हो जाएगी और जो भी आपकी नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से भी सेटिंग्स पे जाकर नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली जाना है आपको एक्सेस पॉइंट सेटिंग्स पे जाकर, यहाँ से भी सेटिंग्स को रीसेट करके आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी आपकी नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने Redmi Note 13 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो